दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 10। इससे पहले के मॉड्यूल में हमने तीन एग्जांपल करे थे पोटेंशियल के, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के रिलेशन के, इरोडो के। देन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था। देन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिफाइन किए थे, कितने टाइप के होते हैं वो भी डिफाइन किए थे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने बात करी थी, और एक सम भी लिया था अपन ने, ठीक है। टुडे हम एक दो सम और लेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। लाइक दिस कि ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है सर आपका, वाई एक्सिस है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज 10 वोल्ट। ये दूसरा है, दैट इज 20 वोल्ट। ये तीसरा है, दैट इज 30 वोल्ट। ये चौथा है, दैट इज 40 वोल्ट। ये पांचवा है, दैट इज 50 वोल्ट। ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रहे हैं। ये एक्स इक्वल्स टू 0 है, ये एक्स इक्वल्स टू 5 है, मीटर में है, एक्स इक्वल्स टू 15 है, ये एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आपको बताना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, है ना। अच्छा, एंगल गिवन है, ये दीज एंगल्स आर 30 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, या अपन उल्टा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, दिस मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, दिस मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोटेंशियल है, ये कितना है 5, ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 5 sin 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आता है, वो आता है VA माइनस VB बाई T। VA माइनस VB दैट इज 30 माइनस 20, और D कितना है, आई थिंक 5 sin 30, 5/2, 30 माइनस 10, 10 20/5, दैट इज कॉल्ड 4। पर मुझे कैसा चाहिए, मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा कितना है 4, ये कितना है 60, इधर कितना होगा 4 cos 60, इधर क्या होगा 4 sin 60। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर माइनस एक्स एक्सिस, माइनस 4 cos 60 degree आई कैप प्लस 4 sin 60 degree जे कैप, तो माइनस 2 i कैप, 4√3/2 जे कैप, तो माइनस 2 i कैप प्लस 2√3 जे कैप, दैट्स ऑल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो बेसिकली कुछ खास है नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है अपन ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जो होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए, तो यूं बनेगी, ठीक है। दोनों के बीच, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिफरेंस, तो ये होगा दैट इज 5 sin 30। अगर ये 30 और ये 5 है, 5 sin 30, तो E कितना आ गया सर 4 आ गया। फिर कंपोनेंट ले लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ये HCB का क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं ऐसे, ध्यान से देखिएगा कैसे दे रखे हैं, ऐसे फोटो है हमारे पास एक, दो और तीन। इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है,
इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ये सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, पॉइंट चार्ज के कारण जो बनते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, ये पॉइंट वो है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर मेजर्ड फ्रॉम ओ। यहाँ से ओ डिस्टेंस पे एक स्मॉल आर है, तो वहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर, वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, क्या करें, चीज़ें तो करनी ही है सर, चीज़ें तो करनी है, तो करते हैं। अच्छा, ये जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं सर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा सर, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया सर, परपेंडिकुलर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। कहीं पे पोटेंशियल 20 है, पोटेंशियल 20 है, डिस्टेंस कितना है 30, तो क्यू अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितना है सर 30, और यहाँ पोटेंशियल कितना है 20, तो क्यू अपॉन 4πε0 20 इंटू 30 इंटू 10^-2, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करा था, है ना, 10^-2, ये कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, या यूं देख लो यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कितना है सर 30, ये 60, आसान पड़ेगा, q अपॉन 4πε0 60 × 10^-2 सेंटीमीटर में, और यहाँ पे सॉरी ये 30 है, डिस्टेंस 30 है, वैल्यू जो है वो 60 है, शायद 60, वैल्यू कितनी है सर 60, गड़बड़ कर दिया मैंने, ये छोटे वाले का नीचे 10 ही है, थोड़ा कंसंट्रेशन में गड़बड़ हो रही है भाई। तो q अपॉन 4πε0 की जो वैल्यू आ रही है वो 6 ही आ रही है, तो q अपॉन 4πε0 6 ही होगा। तो एट ए डिस्टेंस e इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, q अपॉन 4πε0r², q अपॉन 4πε0 की वैल्यू कितनी है सर r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर 6πr², कुछ नहीं किया, फोटो आपने देख ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सरफेसेस हैं उनके क्या होंगे सर, परपेंडिकुलर लेंगे, तो एक तो ये पॉइंट, एक तो ये सरफेस ले लिया और एक ये सरफेस ले लिया, q इंटू 4πε0, डिस्टेंस कितनी है सर 30 इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से q अपॉन 4πε0 आ गया। हाँ, देखना पड़ेगा q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है या नहीं है, तीनों में से किसी दो का निकाल के देख लीजिए, तीनों का निकाल के देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा लेके चल रहा हूँ, इसका ले रहा हूँ, तो पोटेंशियल कितना है 60, डिस्टेंस कितनी है 10, q अपॉन 4πε0 निकाल के देखा वो कितना अच्छा है, तो q अपॉन 4πε0 पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या होता है q अपॉन 4πε0 r², तो r² नीचे आ गया, तो r² के टर्म में अब तो क्या मिल गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड r² के टर्म में अपने को क्या मिल गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सब। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था डिस्क का, डिस्क के बाद हम आगे नहीं जा पाया, डिस्क केस नंबर 5th। अच्छा, वो बात अपन कर ही चुके हैं कि भैया ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज शीट या ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन करेंगे बाकी सब जो फिनाइट चीज़ें हैं उनके कारण।
But due to infinite large things, we can define potential difference between two points. क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो चार्ज ले जा सकते हैं ना किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में. My next is electric potential due to uniformly charged sphere. Uniformly charged sphere है, उनके कारण मुझे क्या चाहिए सर? Electric potential चाहिए. Sphere, अब sphere दो टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए. एक तो होता है conducting sphere और एक क्या होता है सर? Non-conducting sphere. Conducting sphere में जैसा कि अपने electric field में पढ़ा है, conducting sphere में सारा charge कहाँ होता है सर? Surface पे होता है, ठीक है, uniformly distributed. और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में सारा चार्ज कहाँ होता है सर? पूरे वॉल्यूम पे क्या होता है सर? इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसकी कंडीशन दे रखी होती है. कैसे? कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है दोस्त, ठीक है. रेडियस कितनी होगी इसकी? आर. चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है? क्यू दे रखा है. सारा चार्ज कहाँ होगा सर? सरफेस पे. अंदर चार्ज कितना होगा सर? जीरो. अब तीन पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं अपन पॉइंट पी, आउटसाइड पॉइंट. कहाँ लिया सर? फॉर पॉइंट पी, फॉर आउटसाइड पॉइंट. छोटा आर बड़े आर से बड़ा. फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलती है? ऐसे ऐसे निकलती है जैसे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही हो सर? सेंटर से निकल रही हो. और सारा चार्ज कहाँ रखा हो सर? सेंटर पे रखा हो एज ए पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलती है जैसे कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई है सर? सेंटर से. और सारा चार्ज कहाँ रखा है सर? सेंटर पे एज ए पॉइंट चार्ज. तो सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देंगे सर? सेंटर पे. तो पोटेंशियल कितना होगा? वी आउट इज इक्वल्स टू के क्यू आई आर, ठीक है. डब्बा बना दीजिए, तीन स्टार लगा दीजिए. इसका मतलब होता है भाई साहब बोलना नहीं है. नेक्स्ट देखिए. अच्छा, वी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. फॉर सरफेस पॉइंट, सरफेस पे अगर पॉइंट है तो छोटा आर इक्वल्स टू बड़ा आर. तो वी सरफेस कितना हुआ? के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर. रट्टा मारना के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर. फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट ये बात हम कर चुके हैं. ये जो है वो कंडक्टिंग स्फेयर है तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं. सारे चार्जेस कहाँ हैं? बाहर है. अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? जीरो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी बाई डी आर भी क्या होगा सर? जीरो. और पोटेंशियल क्या होगा सर? कांस्टेंट. और कितना? जितना कि सरफेस पे है. वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर. तो सरफेस के हर एक, सॉरी, इनसाइड के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा. और कितना होगा सर? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना. तो अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो वो कंडक्टिंग बॉडी इक्विपोटेंशियल होगी. कैसी होगी? ये अपन पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, जब अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था. हम ग्राफ खींचेंगे, इस तरफ पोटेंशियल होगा, इस तरफ क्या होगा? आर होगा. ये आर इक्वल्स टू आर है,
ये आर ग्रेटर देन आर है, ये आर लेस देन आर है। देखिएगा अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा सर, कांस्टेंट और कितना सरफेस के बराबर, और बाहर जो पोटेंशियल है वी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वी इन इज कांस्टेंट, और कितना होता है सर के क्यू बाई कैपिटल आर के क्यू। अच्छा दिस इज फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर, सेम इज वैलिड फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शेल। शेल बोल तो अंदर से खाली खोखला, अंदर से खाली या खोखला। तो ये अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल निकाला आउटसाइड पॉइंट के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए, और एक छोटा सा ग्राफ भी खींचा। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन और नीट पर्पस। डायरेक्ट पूछ लेते हैं केस टू या केस बी। अपन ने क्या पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर केस बी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब सारा जितना भी चार्ज है, एक्चुअली ये जो होते हैं वो या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या डाइलेक्ट्रिक के बने होते हैं। प्लास्टिक नहीं होता है, रबड़ की प्लास्टिक की कॉर्क बॉल नहीं है जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही। अब अंदर की तरफ जो है वो आपने चार्ज चिपका दिए हैं, तो जो चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे इक्वली क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूट। फिलहाल हम यही मान रहे हैं। कितना चार्ज है सर क्यू, रेडियस कितनी है सर आर, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है सर क्यू, रेडियस कितनी है सर आर। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, दिस पॉइंट पी इज आउटसाइड पॉइंट, दिस इज आर। अब इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। फॉर आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलती है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये ऐसे बिहेव करती है जैसे कि सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा है सर, सेंटर पे रखा है एज ए पॉइंट चार्ज। तो वी आउट कितना होगा सर, के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर। सो वी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर सरफेस पॉइंट छोटा आर इक्वल्स टू बड़ा आर, छोटा आर इक्वल्स टू बड़ा आर। तो वी सरफेस इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू बाय बड़ा आर, ठीक है। याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए। तीसरा पॉइंट रह गया फॉर इनसाइड पॉइंट। फॉर इनसाइड पॉइंट आर इज लेस देन कैपिटल आर, सिचुएशन ऐसी है। रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर। रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट एम ले ले, ये कितना है छोटा आर। मुझे इस पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, कैसे करें। ओके ये पॉइंट एस ले ले, ये पॉइंट एस ले ले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, यूं निकलेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, मतलब एम पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा एस पे कम होगा। एम वो पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, एस सरफेस पॉइंट है
जहाँ पे पोटेंशियल अपने को पता है के क्यू बाई कैपिटल आर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ई डी एक्स, इंटीग्रेशन ई डी एक्स, है ना। नेगेटिव नहीं आया क्योंकि वी एम माइनस वी एस कैसा होगा सर? पॉजिटिव, क्योंकि वी एम का पोटेंशियल वी एस से क्या सर? ज़्यादा है। मैं इंटीग्रेट करूँगा आर से, एम कहाँ है? छोटे आर पे, और एस कहाँ? बड़े आर पे, छोटे आर से बड़े आर पर। वी एम का मुझे पता नहीं, लेकिन वी एस पता है मुझे, दैट इज कैपिटल क्यू बाई आर इन साइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स आर क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। वी एम माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्यूब दैट इज वॉट एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ना, एक्स स्क्वायर बाई टू छोटे आर से बड़ा आर, ठीक है सर। वी एम इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यूब, टू आर क्यूब बाहर आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर। थोड़ा सा सजा लें इसको, के क्यू कॉमन आ जाएगा, टू आर क्यूब भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट एम के लिए जो पोटेंशियल है वो आएगा आपका के क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। वी एम इनसाइड पॉइंट के लिए दैट इज के क्यू बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब कोई मुझे पूछे कि भैया आप सेंटर पे बताइए, ये जो सेंटर दिख रहा है इस सेंटर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। फॉर सेंटर पॉइंट छोटा आर कितना हो जाएगा? जीरो। वी एम कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर थ्री के क्यू बाई टू आर, दैट इज थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ सरफेस पॉइंट। तो सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा जैसा कि अपना कंडक्टिंग में हुआ था। पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा सर? सेंटर पे। कहाँ होगा सर? सेंटर पे। तो अगर कोई बोले कि भैया फोटो खींचिए, तो इस तरफ तो क्या होगा वी, इस तरफ क्या होगा सर? छोटा आर। ये क्या है? छोटा आर इक्वल्स टू बड़ा आर, छोटा आर इज ग्रेटर देन बड़ा आर, छोटा आर इज लेस देन आर। ये सेंटर है, आर इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा सर आपका? मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा सर आपका? मैक्सिमम। सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ तो क्या होगा? थ्री बाई टू ऑफ सरफेस। ये क्या है सर? सरफेस। और उसके बाद तो वी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर। दैट इज ऑल्सो ए वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कर्व, वेरी इम्पॉर्टेंट कर्व, ठीक है। कोई डाउट सर? इजी है, ऐसा कुछ था नहीं। ओके सर, तो अभी अपन ने ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ड्यू टू सिलेंडर। पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, लेंथ कितनी भी हो। ड्यू टू शीट अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अगर जो आपका जो बॉल है वो अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए वो करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।